मामला है। कांग्रेस पूर्व सरपंच खेमराज गुर्जर सहित 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं। डीआईजी मनोज कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस की जांच जारी है, जल्द कुछ और खुलासे भी होंगे, पुलिस का ये कहना। कल आपको बता दें, नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ था। गाड़ी के कई कांच भी टूट गए थे, वाहन के कई कांच टूटे थे और कई लोग घायल भी हुए थे। इसको लेकर अब कार्रवाई हुई है, एक्शन देखने को मिला है पुलिस का। कांग्रेस पूर्व सरपंच खेमराज गुर्जर सहित 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं। डीआईजी मनोज कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस की जांच जारी है, जल्द कुछ और खुलासे भी होंगे, पुलिस का ये कहना। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे नीमच संवाददाता विश्वदेव शर्मा, जुड़े हुए हैं फोन पर। विश्वदेव, बीजेपी ने पथराव पर, जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव पर कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ये सब षड्यंत्र कर रही है, और वैसा भी देखने को मिला है। कांग्रेस पूर्व सरपंच खेमराज गुर्जर सहित 19 गिरफ्तार हुए। भारत की ग्रोथ दुनिया भर में बेहतर। विश्वदेव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हम फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी विश्वदेव शर्मा से जुड़ने की, लेकिन जब पथराव हुआ था बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पर, तब बीजेपी आरोप लगा रही थी कि जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता से कांग्रेस बौखलाई हुई है और कांग्रेस ये षड्यंत्र कर रही है। छुपकर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ और अब इस मसले पर कांग्रेस पूर्व सरपंच खेमराज गुर्जर सहित 19 गिरफ्तार हुए हैं। विश्वदेव शर्मा नीमच संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वदेव, बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे इस तरह के, और वैसा ही कुछ देखने को मिला? जी सुमित जी, कल नीमच के आखिरी गांव में जब जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी तो उस पर पथराव हुआ था और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस के लोगों द्वारा गुंडागिर्दी की गई है, और आज पुलिस ने 19 लोगों को उठाया है जिसमें कांग्रेस के पूर्व सरपंच खेमराज गुर्जर है। दूसरी ओर कांग्रेस भी मैदान में आ गई है, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष और सब लोग रामपुर आ गए, रावड़ी गुड़ी कुवी गए और इस मामले में राजनीति गर्मा गई। दूसरी ओर पुलिस में डीआईजी मनोज सिंह ने पूरी कमान अपने हाथ में संभाल ली है और खुद मौके पर मौजूद है। जी सुमित जी, बहुत शुक्रिया विश्वदेव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी मामले में आपको बता दें कि बड़ी खबर है, नीमच में ये जो पूरी घटना हुई है इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा को जन समर्थन जो हासिल हो रहा है इसी वजह की बौखलाहट ये सामने आई है। नीमच की ये जो घटना है इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। समर्थन देख कर कांग्रेस बौखलाई हुई है और जिस भी तरह के हथकंडे अपना लिए जाएँ उन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली। भारतीय पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को भी जो आशीर्वाद मिल रहा है उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे पत्थरों की बात, ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कर लें भारी बहुमत से जीतने वाली है। कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति शालीन रही है, इस तरह के हथकंडे ना अपनाए। वहीं खंडवा में भारी बारिश के बीच बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली। सीएम शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हैं। संबोधन दोनों ने किया, सभा को संबोधित किया और संबोधन खत्म होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचते नजर आए लोग, कुर्सियों को सिर पर रखकर बारिश से लोग बचते हुए नजर आए।
दो तस्वीरें, एक तस्वीरें मंच की जब बीजेपी के दिग्गज नेता एक ही मंच पर मौजूद थे, संबोधन खत्म हुआ उसके बाद तेज बारिश, दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं इंडिया का नाम बदलने की कवायद पर बोले हैं सीएम शिवराज, कहा है भारत पहले से ही भारत था, हमेशा भारत ही रहेगा। तो इंडिया और भारत को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं पूरे देश में, इसी को लेकर राजनेताओं के लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा भारत पहले से ही भारत था और हमेशा भारत ही रहेगा। सामने आ गया इंडिया और भारत को लेकर, सर किस तरह से आप देखते हैं, क्या देखते हैं? भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। नया विवाद सामने आ गया इंडिया और भारत को लेकर, सर किस तरह से आप देखते हैं, क्या देखते हैं? भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। वहीं इंदौर में इंदौर कलेक्ट्रेट तक छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने अर्धनग्न प्रदर्शन करने से रोका है छात्रों को। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि नौकरी छीनना कपड़े उतारने जैसा ही है, कृषि विभाग में बैकलॉग पदों को भरने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तस्वीरें आपके सामने, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आए हैं। पुलिस ने हालांकि उन्हें रोका और छात्र ये कह रहे थे कि नौकरी छीनना कपड़े उतारने जैसा ही है, कृषि विभाग में बैकलॉग पदों को भरने की मांग है छात्रों की और अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे इंदौर संवाददाता हिमांशु जोशी जुड़े हुए हैं फोन पर। हिमांशु, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? दरअसल इंदौर कलेक्टर ऑफिस के बाहर छात्रों ने आंदोलन किया और इनका ये कहना था कि कृषि विस्तार अधिकारियों की बैकलॉग के पदों की भर्ती जो कि लंबे समय से नहीं हो रही है, इसको लेकर ये आक्रोशित थे। और ग्रामीण विकास अधिकारी की परीक्षा जो 21 और 22 में हुई थी जुलाई में, उसको उसके भी रिजल्ट घोषित नहीं किए गए और पदों को समायोजित नहीं किया गया और लंबे समय से इन लोगों की मांग थी और ये मांग पूरी नहीं की जा रही थी, तो इसको लेकर इन आक्रोशित छात्रों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। और अर्धनग्न अवस्था में जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोका और इनके इन्हें कपड़े पहनने का कहा, तो बोले कपड़े छीनना जो है वो नौकरी छीनने के समान ही है। इस तरीके की गहमा गहमी का माहौल पूरे समय रहा इंदौर में और पुलिस की भी इन्होंने बात नहीं सुनी इन लोगों ने। बिल्कुल हिमांशु, चुनाव मध्य प्रदेश में नजदीक हैं, हर वक्त चाहता है कि उनकी मांगें सुनी जाएं और यही वजह है कि अब छात्रों ने भी चाहा कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे। हिमांशु, अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने यही एक माध्यम इसलिए चुना, अर्धनग्न प्रदर्शन करके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के कि किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर निगाह जाए और उनकी बातों को सुना जाए और पिछले जो बैकलॉग के पद हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इन लोगों की मांग है, सब कृषि के विद्यार्थी हैं, ये बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर के, तो इनका ये कहना है कि जो पद रुके हैं शासन में, जो पद हैं उनको एक तो समायोजित किया जाए और उन पदों पर नियुक्तियां किया जाए और बैकलॉग के पदों की जो है उसकी पूर्ति की जाए, तो इसको लेकर के इनका आक्रोश भी था और आक्रोश आंदोलन में बदल गया और इन्होंने कलेक्टर ऑफिस के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। ठीक है मांशु, बहुत धन्यवाद आपका। अब नीमच से बड़ी खबर है, सन की पति की बर्बरता का वीडियो सामने आया है, पत्नी को रस्सी के सहारे कुएं के अंदर लटका दिया पति ने, काफी देर तक रोती बिलखती रही पत्नी, कुएं में लटकी रही। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं पति पर, जावत पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। तो देखा आपने किस तरीके से पत्नी रोती हुई बिलखती हुई नजर आई, लेकिन पति को ही दया बिल्कुल नहीं आई। दहेज के लिए प्रताड़ित करता हुआ नजर आया पति। दहेज प्रताड़ना के कई मामले आपने देखे होंगे जिसमें मारपीट की बात सामने आती है, लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि एक पति ने रस्सी से लटका दिया अपनी पत्नी को
और कहीं ना कहीं जान से मारने की कोशिश ही है ये। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, आप देख सकते हैं अगर रस्सी छूटी पत्नी के हाथों से तो कुएं में गहरे पानी में जा सकती है, वो उसकी जान भी जा सकती है, जान से खिलवाड़। लेकिन बेरहम पति, उसका दिल नहीं पसीजा, काफी देर तक पत्नी को यूं ही लटकाए रखा उसने। इंदौर से बड़ी खबर, सोशल मीडिया में अवैध आर्म्स के साथ वीडियो डालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। क्राइम ब्रांच और हीरानगर थाने की संयुक्त कार्रवाई, आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। आरोपी जयपाल सिंह खातीपुरा धर्मशाला से गिरफ्तार हुआ। तो सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो अपलोड किया था, ये महंगा पड़ गया है। एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसे, क्राइम ब्रांच और हीरानगर थाने की संयुक्त कार्रवाई है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। आरोपी जयपाल सिंह खातीपुरा धर्मशाला से गिरफ्तार हुआ। सोशल मीडिया के आज के जमाने में ऐसी तस्वीरें काफी वायरल होती हैं जो कि कभी न कभी महंगी पड़ जाती हैं युवकों को। धार से बड़ी खबर, जहां पिता ने 1.5 साल के बेटे की बलि दे दी, तांत्रिक क्रिया कर बेटे की बलि दे दी एक पिता ने। जी हां, पिता ने 1.5 साल के बेटे की पटक पटक कर हत्या कर दी है। घर के दरवाजे बंद कर तांत्रिक क्रिया कर रहा था ये। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। घाटा बिल्लौत की घटना है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अंधविश्वास इतना हावी है कि पिता ने 1.5 साल के बेटे की हत्या कर दी तांत्रिक क्रिया के चक्कर में। भोपाल से बड़ी खबर, चुनाव लड़ने की खबरों को उमा भारती ने खारिज कर दिया है। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने जानकारी दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ट्वीट किया है। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाली, जो अनुमान लगा रहे हैं उसे खारिज कर दीजिए। उमा भारती ने यह ट्वीट कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने ऐलान कर दिया है कि वो 2023 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो अनुमान लगा रहे हैं उसे खारिज कर दीजिए, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। चुनाव लड़ने की खबरों के बीच चुनाव लड़ने की बात को सिरे से खारिज कर दिया उमा भारती ने। खबरें थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय चुनाव लड़ेंगी या नहीं, लेकिन खबरों को भारती ने खारिज कर दिया है। ठीक है, उमा भारती ने खबरों को खारिज कर दिया है और बात अगली खबर की करते हैं, बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर यह है कि गोपाल भार्गव, जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, 8 बार के विधायक भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान सागर में दे दिया है। अब इस बयान के मायने क्या हैं, इसको निकालना शुरू कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। बयान दरअसल दिया है गोपाल भार्गव ने, जो मंत्री भी हैं और अच्छे बड़े मंत्री माने जाते हैं, कह रहे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दिया जाए जो मुझे ऊँचे पद पर पहुँचाए। तो विधायक रह चुके हैं, आपके आशीर्वाद ने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया, ये भी कह रहे हैं। अब समझ लीजिए आपकी कौन सा ऊँचा पद वो चाहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दें जो मुझे ऊंचे पद पर पहुंचाए, गोपाल भार्गव ने कहा, सुन लीजिए। दूध का कर्ज अदा करने के लिए आप लोग कभी भी मेरा कठिन वक्त आए तो निश्चित रूप से आप मेरा सहायता करेंगे। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, मित्रों, आप सभी ने मुझे लंबे समय तक विधायक बनाया, लंबे समय तक मुझे मंत्री पद पर पार्टी ने रखा, उच्च नेताओं ने रखा। लगभग एक व्यक्ति की जिंदगी में जितनी उपलब्धियां हम सबके हो गई, अब यदि कभी मैं आगे का चुनाव लड़ूंगा तो अब मैं, मेरी कोशिश और हर व्यक्ति की कोशिश होती है
जो शिक्षक होते हैं वो सोचते हैं प्रधान अध्यापक बने, प्रधान अध्यापक सोचते हैं कि हम प्रिंसिपल बने, हम लेक्चरर बने, हम बीओ बने, हम डीओ बने सोचते हैं। तो क्या गोपाल भार्गव को आप ऐसा आशीर्वाद नहीं दिला सकते एक बार हम भी ऊंचे पहुंच जाए? यदि आप आशीर्वाद दिलाते हैं तो गुरुजनों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाएगा। मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि कोई भी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी पिछले चुनाव में भी ज्यादा वोट हासिल कर चुकी थी, हालांकि 4-5 सीटें कांग्रेस को जरूर ज्यादा आ गई थी, लेकिन 20 साल में किसी भी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट नहीं मिले। पार्टी को अब नुकसान करने की स्थिति में कोई दल बचा नहीं है। 20 साल से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, जैसा सांसद जी ने कहा आशीर्वाद लेने निकले। 20 साल से हमसे किसी दल ने ज्यादा वोट प्राप्त नहीं की। पिछली बार हमसे 4-5 सीट कांग्रेस की ज्यादा आई थी, 5-7, लेकिन वोट हमको ही ज्यादा आए थे, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। टीकमगढ़ की बात कर लेते हैं। टीकमगढ़ में एक तरफ खंडवा में हमने आपको खबर बताई कि जन आशीर्वाद यात्रा जब निकल रही थी तो वहाँ बारिश हो रही थी, लेकिन टीकमगढ़ में सूखे के हालत ये हो गई है कि यहाँ पर 20 दिन से बारिश नहीं हुई है, एक बूंद नहीं गिरी है, जिसकी वजह से अब किसानों की फसल जो है वो सूखने की कगार पर आ पहुंची। किसान खासे परेशान हैं, लोग गर्मी से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है और 20 दिनों से एक बूंद पानी यहाँ पर नहीं गिरा है। अब तक केवल 60% बारिश ही दर्ज यहाँ पर की गई। और चलिए आप बात कर लेते हैं इंदौर की जब भी चर्चा होती है तो हाल ही में जो मेट्रो के कोचेस आए हैं उसको लेकर चर्चा हर तरफ देखने को मिलती है, तो उसी का अपडेट आपको बता रहे हैं कि गांधीनगर मेट्रो डिपो जो है वहां पर ये कोच इंदौर के गांधीनगर मेट्रो डिपो में कोच पहुंच चुके हैं और पटरी पर भी उतर चुके हैं। 10 सितंबर तक थर्ड रेल चार्जिंग का काम भी पूरा किया जाना है और 14 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर जाएंगे, जिसके बाद मेट्रो का ट्रायल होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपनों का शहर इंदौर, और उसी शहर से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेट्रो की। और फिलहाल इस वक्त हम गांधीनगर जो डिपो है मेट्रो का वहां पर मौजूद हैं और वो तस्वीर हम आपको अब दिखा रहे हैं कि कुछ दिन पहले मेट्रो के कोच यहां पर आए थे और अब जो मेट्रो के कोच हैं वो पटरी पर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेट्रो का इंजन है जो सामने का, वहां पर ये लाइट जलती हुई नजर आ रही है, यानी जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। 10 सितंबर तक जो ट्रायल रन होना है 14 तारीख को, उसके पहले 10 सितंबर तक इन काम को पूरा करना, और जिसको लेकर काम भी काफी तेजी से चल रहा है। दिन रात इस वक्त यहाँ पर काम किया जा रहा है। थर्ड जो चार्जिंग बात की जा रही है रेलवे स्टेशन में, उसकी व्यवस्थाएं भी पूरी हो चुकी हैं, यानी रेलवे का जो नया टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, उसका इस्तेमाल भी इस मेट्रो स्टेशन में किया गया है, जहां पर लाइट के लिए जो ये मेट्रो जो चलेगी उसके लिए थर्ड जो रेलवे स्टेशन है चार्जिंग व्यवस्था वो लगभग पूरी हो चुकी है। और अलग अलग जो मेट्रो स्टेशन है इसके आगे, वहां पर अब चार्जिंग की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि मेट्रो के जो कोच हैं वो पटरी पर हैं, लाइट जलती हुई है और अब ट्रायल करके देखा जा रहा है। सबसे पहले सेल्फ टेस्ट भी किया जाएगा कुछ दूर तक इसका, और 10 सितंबर तक ये काम पूरा करने की चुनौती है और लगभग उस काम को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। 14 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर आएंगे और उस दिन इसका ट्रायल रन भी किया जाएगा। ये काफी खूबसूरत तस्वीर है और ये तस्वीर इंदौर का, ये तस्वीर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का है, देश के सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी का है, और अब तो मेट्रो भी इंदौर में आ चुकी है। ये तस्वीर आपने देखा होगा मेट्रो शहर का, लेकिन अब ये खूबसूरत तस्वीर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ नितेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और अभी हम टीकमगढ़ का जिक्र कर रहे थे जहां पर सूखे के हालात बन रहे हैं, लेकिन रतलाम से खबर अच्छी आई है। यहां पर काफ़ी दिनों से किसान चिंता में थे, लोग परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही है, फसल का क्या होगा, लेकिन अच्छी खबर ये आई है कि यहां पर बारिश शुरू हो चुकी है, झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, खुशी का माहौल है। यहां पर भी एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन के बाद
तेज बारिश यहां पर देखने को मिली है। इस बारिश से किसानों ने राहत महसूस की है, लोगों को भी गर्मी से निजात मिली है। मानसून की बेरुखी के चलते दरअसल ज़िले में सोयाबीन की फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई थी, और ऐसे में जो बारिश हुई है ये जीवन दान है फसलों के लिए, और किसान इसलिए बेहद खुश। और चलिए अब जन्माष्टमी की बात कर लेते हैं। आज भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और ऐसे में आपको गोपाल मंदिर लिए चलते हैं। ग्वालियर का गोपाल मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है अपने आप में, और यहाँ पर तो खासियत ये भी है कि भगवान का जो श्रृंगार होता है जन्माष्टमी में, तो 100 करोड़ के हीरे जवाहरात से उनका श्रृंगार किया जाता है राधा कृष्ण का जन्माष्टमी के मौके पर। उसके लिए पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रहती है, व्यवस्था की जाती है, और ये पूरे एक दिन पूरा श्रृंगार रहता है राधा कृष्ण का। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सोने का मुकुट होता है, बांसुरी भी सोने की होती है, हीरे भी उसमें लगे होते हैं, साथ ही साथ मोतियों की माला, कंगन, चूड़ामणि, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हीरे जवाहरात, और काफ़ी महंगे हैं ये। और आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना सिंधिया परिवार ने कराई थी, और ग्वालियर के फूलबाग इलाके में है ये। 103 साल पुराना ये मंदिर है, और दूर दूर से आज के दिन श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन करने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।